नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन गिवन है उसको प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिलीज्ड अ न्यू कॉइन टू कमेमोरेट द 550 एनिवर्सरी ऑफ बाबा गुरु नानक रिसेंटली? तो इनमें से हमें बताना है कि किस देश ने बाबा गुरु नानक जी की 550वीं जयंती के अवसर पर नया सिक्का जारी किया है। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो हाल में ही पाकिस्तान ने गुरु नानक की 550वीं जयंती के अवसर पर एक नया सिक्का क्या किया है, जारी किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, पाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनेक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने या देश का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने अनुबंध खेती पर कानून बनाया? तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे या अनुबंध खेती पर कानून बनाया। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि फार्मिंग पे बेस्ड क्या बनाना, पॉलिसी बनाना, ये इसका क्या है और किस प्रकार का जो मैकेनिज्म है वो काम करें, तो ये इसके अनुबंध खेती का जो नियम है, ठीक है, या जो अनुबंध खेती पे जो कानून है वो सबसे पहले किसने बनाया, तमिलनाडु ने बनाया। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो कहाँ है, चेन्नई है। ठीक, तमिलनाडु इंडिया का एक साउथ वाला क्या है, स्टेट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बॉक्सर क्लिंच्ड गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक टेस्ट इवेंट फॉर बॉक्सिंग इन टोक्यो जापान? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने टोक्यो जापान में हुए ओलंपिक टेस्ट इवेंट में मुक्केबाजी के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ऑप्शन ए है विकास कृष्ण यादव, ऑप्शन बी है शिव थापा, ऑप्शन सी है मनीष कौशिक या ऑप्शन डी है अमित पंगल। तो अभी रिसेंटली जापान टोक्यो में जो ओलंपिक टेस्ट इवेंट हुआ बॉक्सिंग का, तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें जो स्वर्ण पदक जीता वो जीता शिव थापा ने। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव थापा, शिवा थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइलेटरल एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन द आर्मीज ऑफ विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 13 नवंबर 2019 एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाराजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान। तो हमें बताना है कि जो बाइलेटरल एक्सरसाइज जो शक्ति है, ठीक है, ये किन दो कंट्री के बीच में हुई जो कि रिसेंटली 31 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में राजस्थान के महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये एक्सरसाइज हेल्ड होगी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इंडिया एंड जापान, ऑप्शन बी है इंडिया एंड फ्रांस, ऑप्शन सी है इंडिया एंड म्यांमार एंड ऑप्शन डी है इंडिया एंड यूएस। तो जो एक्सरसाइज शक्ति है ये इंडिया और फ्रांस की क्या है, बायलिटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर के बीच में राजस्थान के महाराजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज की जाएगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंडिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 5,
ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 9th। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि पहले इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज थी या जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो 7 थी, ठीक है। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेट की श्रेणी से हटा करके इसको क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और जम्मू कश्मीर का डिवीज़न दो पार्ट में हो रखा है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हो गया लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। तो यानी कि दो यूनियन टेरिटरी जुड़ने की वजह से अब जो टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने हो जाएंगे, 9th हो जाएगा, क्योंकि 7th पहले थे और दो और बढ़ गए, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, राइट। और पहले जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट थे वो थे 29, तो अब जम्मू कश्मीर स्टेट ना होकर के क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसलिए एक स्टेट अब घट गया है। तो इसलिए अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो कितने हैं, 28, और एंड टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी वो कितने हैं आपके, 9, 9, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 35 एशियन आसियान समिट इन बैंकॉक थाईलैंड। तो अभी रिसेंटली बैंकॉक थाईलैंड में जो आसियान समिट हुई है 35वीं, इसकी थीम क्या थी। तो ऑप्शन ए है एनर्जी, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है पार्टनरिंग फॉर चेंज इंगेजिंग द वर्ल्ड। ऑप्शन सी है एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड ऑप्शन डी है रेजिलेंस एंड इनोवेशन। तो रिसेंटली जो आसियान 35वीं आसियान की जो बैठक हुई वो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हुई, ठीक है। और आपको बता दूं आसियान में जो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो कितनी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, ठीक। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो 10 कौन कौन सी कंट्री है, और कभी कभी ये भी दिया जा सकता है आपको 4 कंट्री के नाम दे दिया और इनमें से ये बताना है कि इन चारों में से आसियान का मेंबर कौन सा नहीं है। तो इसलिए आपको ये 10 के 10 जो भी कंट्री हैं आपको याद करके जानी है, ठीक। तो 35वीं आसियान समिट की जो थीम थी वो थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। तो जो आसियान की बैठक हुई वो 31 अक्टूबर से लेकर के 4 अक्टूबर के बीच में हुई, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो थीम थी वो थी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेम द एथलीट हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द 10 मेंबर स्पोर्ट्स एम्बेसडर ग्रुप बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ऑन बॉक्सिंग वर्कफोर्स टू रिप्रेजेंट बॉक्सर अहेड ऑफ द 220 टोक्यो ओलंपिक गेम्स। यानी कि 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स है इसमें बॉक्सर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से किसका सिलेक्शन किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो ऑप्शन ए है लेसरम सरिता देवी, ऑप्शन बी है एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन सी है लोबलिना, ऑप्शन डी है जमुना बोरो। तो इनमें से जो सिलेक्शन किया गया है वो एमसी मैरी कॉम, ठीक है। तो ये जो 10 सदस्य जो स्पोर्ट्स एम्बेसडर ग्रुप है तो ये क्या करेगी, अहेड करेगी, रिप्रेजेंट करेगी 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में जो बॉक्सर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगी। तो एमसी मैरी कॉम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो एमसी जो मैरी कॉम है वो बेसिकली 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है एमसी मैरी कॉम, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2020 का जो ओलंपिक है वो कहाँ खेला जाएगा, वो कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, टोक्यो, टोक्यो में, टोक्यो जापान में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन क्रिकेट टीम विल प्ले इट्स फर्स्ट एवर डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट। तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट खेलेगी। तो ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट इंडीज। तो इंडिया पहला अपना डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेगी, ठीक है। और ये टेस्ट मैच होगा ये 22 नवंबर से लेकर के
26 नवंबर के बीच में खेला जाएगा। और जो ये टेस्ट मैच है ये ईडन गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक, किसके अगेंस्ट खेला जाएगा, दूसरा कहाँ पे खेला जाएगा, और तीसरा कब खेला जाएगा। तो 22 और 26 के बीच में खेला जाएगा ईडन गार्डन में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन एक्टर हु हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डन ड्रैगन अवार्ड फॉर हिज वर्क्स इन हिंदी सिनेमा एट द क्रेडिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 हेल्ड इन वेल्स यूनाइटेड किंगडम। तो हाल में ही जो वेल्स यूनाइटेड किंगडम में क्रेडिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ, तो इसमें जो प्रेस्टिजियस गोल्डन ड्रैगन अवार्ड है ये किस अभिनेता को दिया गया। तो ऑप्शन ए है अनुपम खेर, ऑप्शन बी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन सी है आमिर खान, या ऑप्शन डी है अक्षय कुमार। तो ये जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद द पीपल ओवर ऑफ एज एंड पर्सन्स विद डिजेबिलिटी कैन नाउ कास्ट देयर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट। ठीक है, तो यानी कि इनमें से हमें बताना है कि कितनी एज के ऊपर वाले लोग या जो लोग डिसेबल हैं, ठीक है, उनको जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट कर सकते हैं अब। तो ऑप्शन ए है 50 ईयर्स, ऑप्शन सी है 60 ईयर्स, ऑप्शन सी है 70 ईयर्स, या ऑप्शन डी है 80 ईयर्स। तो वे लोग जो 80 साल से ऊपर हैं और जो लोग डिजेबल है, ठीक है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके पास ऑप्शन दोनों रहेंगे, पोलिंग स्टेशन वाला भी और चाहे ये पोस्टल बैलेट के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने वोट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप भी याद कीजिए, ये इस हफ्ते का ये बेस्ट कलेक्शन था और ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस थे इस हफ्ते के, जिनके पूछे जाने की जो चांसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।